हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो लोग इंडिया से पोलैंड आते हैं उनकी जो नॉर्मली क्या सैलरी होती है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर दो तरह के जॉब होते हैं, एक ब्लू कॉलर जॉब होता है, एक व्हाइट कॉलर जॉब होता है। ब्लू कॉलर जॉब के अंदर आते हैं नॉर्मली वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं, वेयर हाउस में काम करते हैं, वॉचमैन वगैरह, ये ब्लू कॉलर के अंडर में आते हैं। वहीं पे जो व्हाइट कॉलर में आते होते हैं टीचर्स, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब व्हाइट कॉलर के अंडर में आते हैं। अभी हम बात करेंगे ब्लू कॉलर के सैलरी के बारे में। तो ब्लू कॉलर की यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी होती है वो होती है 3,500 जुलोटी। यहाँ पे आपको 3,500 जुलोटी ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पे है, बट आपको पूरी यहाँ पे टोटल सैलरी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे टोटल नेट सैलरी मिलेगी 2,500, इसमें से आपका 1,000 कट हो जाएगा। अभी आप पूछेंगे 1,000 क्यों कट होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये आपका इंश्योरेंस का अमाउंट, ये आपका टैक्स का अमाउंट कट होगा, क्योंकि यहाँ का टैक्स रेट काफी हाई है पोलैंड का। जी हाँ, यहाँ का पोलैंड का जो टैक्स रेट है वो है 17%। तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 3,500, उसमें से वो 17% टैक्स कट करके जो नेट सैलरी आपके हैंड में देंगे वो होगा 2,500 जुलोटी। और लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, जो लोग यहाँ के यंगस्टर है, जो लोग मतलब 21 से 26 के एज के बीच में आते हैं, यहाँ पे इनको बिल्कुल टैक्स फ्री है। यहाँ पे इनको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना है अपने अमाउंट में से, सैलरी के अमाउंट में से। तो इसके लिए अगर आप लोग यहाँ पोलैंड में रह रहे हैं, अगर आप अपना टैक्स पे कर रहे हैं 21 से 26 के बीच वाले, तो प्लीज आप अपने कंपनी से को इन्फॉर्म, अपने कंपनी से बात करिए, उनसे पूछिए क्या प्रोसेस है टैक्स फ्री करने का, तो वो आपका टैक्स फ्री कर देंगे। अभी हम बात करते हैं व्हाइट कॉलर वाले जॉब वालों के सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे होता है कि नॉर्मली जो उनको मिनिमम सैलरी मिलती है वो होती है 10,000 से लेकर 12,000 जुलोटी के बीच में। व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, इनका सैलरी काफी हाई होता है। तो कोई इनकी जो कोई कोई कंपनी होती है वो टोटल ग्रॉस सैलरी इनके हाथ में देती है, तो इनको खुद टैक्स पे करना होता है उसमें से यहाँ पे। और कोई कोई कंपनी जो इनकी होती है वो टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी नहीं देती, नेट सैलरी इनको टैक्स अमाउंट कट करके देती है। बताने वाली मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो सबसे पहले अभी हम बात करें ब्लू कॉलर के मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। तो जो टैक्स वो लोग पे करते हैं उसमें से मेडिकल इंश्योरेंस उसमें कवर होता है। तो इसमें कैसा है, अगर आप बीमार होते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हॉस्पिटल में कुछ अमाउंट पे नहीं करना है, बस आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना है और आपके अपॉइंटमेंट के डेट पे जाके आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है। कंपनी सारा क्लेम पे करेगी अगर वो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड होता है आपकी बीमारी, लाइक आप प्रेग्नेंट है या आपकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो अगर आपके इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं तो कंपनी वो पे करेगी। बट कोई कोई बीमारी जो होती है वो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होती है, तो वो आपको कंपनी को उसके पहले, अगर आप एडमिट होते हो तो सबसे पहले आपको कंपनी में जाके बताना है, आपको इन्फॉर्म करना है, तो कंपनी आपका जो भी अमाउंट है वो आपके इंश्योरेंस में एड ऑन कर देगी। बट वो चेक करेगी, अगर वो आपके पॉलिसी के अंडर में नहीं आता है तो आपकी सैलरी में से वो डिडक्ट कर देगी। तो ये बात किया मैंने ब्लू कॉलर के इंश्योरेंस के बारे में। अभी हम बात करें व्हाइट कॉलर के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। तो जो व्हाइट कॉलर वालों की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो काफी अच्छी होती है, उसमें काफी सारी चीजें कवर्ड होती है इंक्लूडिंग डेंटल आल्सो। तो जो अगर हम बात करें ब्लू कॉलर की, तो एज कंपेयर टू ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर की इंश्योरेंस पॉलिसी काफी बेटर होती है। तो अभी मैं थोड़ा आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। लाइक अगर आपकी आप स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करते हैं, लाइक स्विमिंग पूल, जिम वगैरह, योगा वगैरह, तो आपकी जो कंपनी होती है वो आपको मल्टी स्पोर्ट कार्ड प्रोवाइड करती है। आप अपनी कंपनी में जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं और आपकी कंपनी आपको मल्टी स्पोर्ट्स कार्ड प्रोवाइड करेगी। बट आपको उसके बारे में डिटेल में जान लेना है, बिकॉज क्योंकि जो भी मल्टी स्पोर्ट कार्ड का जो भी चार्जेस होगा वो कंपनी आपके सैलरी में से डिडक्ट कर लेगी। तो इसलिए अगर आप मल्टी स्पोर्ट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पहले आपको अपनी कंपनी से डिटेल में लेना है कि आपको लाइट मेडिकल लाइट स्पोर्ट कार्ड लेना है कि हैवी स्पोर्ट कार्ड लेना है, क्योंकि लाइट स्पोर्ट कार्ड का अमाउंट थोड़ा कम होगा और हैवी स्पोर्ट कार्ड का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। ऑल ओवर ये आपके सैलरी में से ही डिडक्ट होगा, तो प्लीज इसके बारे में आप डिटेल में अपनी कंपनी से जरूर पता करिएगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।